नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं india.com। लोकसभा चुनाव चल रहा है, लगातार उम्मीदवार अपने घोषणा कर रहे हैं, पार्टी घोषणा कर रही है कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा। आपको बता दूं, इस बीच राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड से, एक रायबरेली से। हालांकि पहले अमेठी के लिए भी नाम चला था, लेकिन अब वो ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, यानी दो सीट से। पिछले चुनाव में अगर लोकसभा की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की बात करें, ये सभी लोगों ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था। अब इस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोई उम्मीदवार दो, तीन, चार, कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव, इसको हम लोग समझेंगे। और जब एक सीट छोड़ देता है और एक ही सीट पर रहता है, तो जो उपचुनाव होते उसमें कितना खर्च जाता है, वो खर्च कौन देता है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये राहुल गांधी कोई पहली बार दो सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं जो चुनाव लड़ते रहते हैं। नरेंद्र मोदी हैं, वाराणसी वडोदरा से, गुजरात से 2014 में चुनाव लड़े थे, दोनों जगह जीत गए थे। फिर वडोदरा सीट को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर उस पर उपचुनाव हुए थे और फिर से वापस बीजेपी की वो गवर्नमेंट बनी थी। आपको बता दूं, एक से ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी दो से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा, बलरामपुर, लखनऊ, यानी तीन सीट से चुनाव जीते थे, लड़े थे और बलरामपुर से चुनाव जीते थे। ये है, और भी बहुत उम्मीदवार हैं ऐसे बहुत सारी सीट में। आज हम समझेंगे कि कोई कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। 1996 से पहले कोई भी व्यक्ति, अब जो लॉ बन गया है, एक व्यक्ति कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था 1996 तक, उसके बाद एक व्यक्ति कोई भी जो है उस पर पाबंदी लगा दी। 1996 में प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33 में संशोधन किया गया और तय किया गया कि एक व्यक्ति यानी उम्मीदवार दो सीटों से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी लास्ट टू लास्ट दो है। इसीलिए राहुल गांधी भी सिर्फ दो पे लड़ रहे हैं, और भी लड़ सकते थे, लेकिन अगर ये कानून नहीं बना होता, संशोधन नहीं हुआ होता, तो इसीलिए दो से ज़्यादा कोई भी उम्मीदवार दो सीट से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये आपको बता दिया। उसके अब आपको ये भी बता दूं कि अगर इसमें जब एक सीट आप दो सीटें जीतेंगे तो दोनों पर सांसद नहीं रहेंगे, एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। जब आप दूसरी सीट जिस चीज़ को छोड़ेंगे उस सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव का खर्च वही कैंडिडेट देगा जो जीता है, जिसने सीट छोड़ी है। यानी सपोज एग्जांपल के लिए दो सीटों पर जब नरेंद्र मोदी जीते थे तो उसने जो गुजरात के वडोदरा सीट छोड़ दिया था, वहाँ का खर्च उन्हें ही देना पड़ा था। ये आपको बता दूँ, ये लॉ है, बाय लॉ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसी तरह का एक पिटीशन भी दाखिल कर चुका PIL सुप्रीम कोर्ट में कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार को चुनाव लड़ने दिया जाए, दो सीट पर ऐसी इजाज़त ना दी जाए। हालांकि अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। चुनाव खर्च की तो मैंने आपको बता दी, जो इसकी एक सीट की खर्च है। अगर हम बात करें, किसी भी एक छोटे से चुनाव में 6 महीने के भीतर उपचुनाव हो जाता है, इसमें जो खर्च आते हैं, अभी 2019 की बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो यानी एक सीट पर औसतन 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, काफ़ी खर्च होता है। इस वजह से यही तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से, कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जाए, एक उम्मीदवार को दो सीट पर चुनाव लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था, कहा था ये नीतिगत मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ये हमने समझा दिया आपको पूरी तरह से, विस्तार से, कि एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और जब उपचुनाव होगा तो उसका खर्च कौन देगा। आप लोग भी जुड़े रहिए india.com से। शुक्रिया।